सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के रंगों का त्योहार होली को मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 8 मार्च को होली खेली जाएगी। इस बार की होली की खास बात यह है कि इस बार बाजार में स्वदेशी चीजों की मांग बढ़ गई है। स्वदेशी चीजों की मांग के साथ साथ बाजारों में इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले पापड़, चिप्स और नमकीन की भी मांग बढ़ गई है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। होली के देखते हुए प्रयागराज में इस बार शहर के बाजार में बड़े पैमाने में होली से संबंधित सामान आ चुके हैं, लेकिन इस बार होली पर सबसे खास है इम्यूनिटी पावर वाले चिप्स, पापड़ और नमकीन, जो लोगों की सेहत का भी ख्याल रखेंगे। क्योंकि होली पर बाहर से खाने पर काफी बीमारियां भी होती हैं, ऐसे में जरूरी है कि होली के पकवानों के साथ कुछ हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्टर वाली चीजें खाना, ऐसे स्नैक्स जो काफी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। इसी क्रम में प्रयागराज के लोकनाथ स्थित बाजारों में इम्यूनिटी बूस्टर पापड़, चिप्स और नमकीनों की मांग बढ़ गई है। लेकिन इस बार इतने महंगे पापड़ होने की वजह से, वैरायटी थोड़ी कॉस्टली होने की वजह से, कस्टमर को जो 10 चीजें लेनी होती वो कहते भैया 5 ही दो। हर चीजें महंगी हैं, इस वजह से अच्छे सामान और अच्छी क्वालिटी, अच्छा बिहेव, अच्छा व्यापार करने के बावजूद थोड़ा दुकानदारी में वाव हो रहा है। अजय किशर, अगर बात करें महंगाई की तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार महंगाई काफी बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार इतने महंगे पापड़ होने के चलते कस्टमर जहां 10 चीज खरीदा करते थे, वहीं आज 5 ही चीजें खरीद रहे हैं, क्योंकि सभी चीजें काफी महंगी है। वहीं अच्छे सामान, अच्छी वैरायटी होने के बावजूद भी दुकानदारी में प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर अब सारी चीजें होममेड हो गई हैं। चाइनीज सामान को हम लोगों ने बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया है। मोदी जी का जो स्टार्टअप इंडिया वाला प्लान है कि घर घर महिलाओं को उद्योग मिले और बाकी लोगों को भी बहुत सारे रोजगार मिले, और हमारी जो घरेलू चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल करें। ऑब्वियसली दिख रहा है सारी होममेड चीजें हैं। चाइनीज वाले जो पापड़ वगैरह आते थे वो बिल्कुल मार्केट में बहुत कम दिख रहे हैं। सामान जो आया है हमारे सेहत के हिसाब से ध्यान में रखते हुए सामान आया है कि जो है लोग खाएं भी और उनकी इम्यूनिटी पावर भी तेज रहे। केले के चिप्स है, मैंगो चिप्स है, और ये टमाटर चिप्स है, और ठंडई है, और ये कुछ जो है हमारे जो है सीड्स वगैरह हैं कि लोग ले जा रहे हैं, खाएं, पसंद करें। सेहत पर ध्यान, डिमांड अच्छी है। इस बार लोग चाइनीज आइटम का भी काफी बहिष्कार कर रहे हैं और घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी वजह से इस बार शहर के बाजारों में होममेड पापड़, चिप्स, केले और आम की चिप्स नजर आ रहे हैं, जो लोगों को बहुत भा भी रहे हैं और लोग इनकी खरीदारी भी खूब कर रहे हैं। प्राइम टीवी की तरफ से आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहे।